नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। 23 की तकरार किसकी सरकार, जी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। बीना में पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखने आए पीएम मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधा और सनातन पर चल रही सियासत पर बीजेपी का रुख साफ कर दिया है। लेकिन इस पर कांग्रेस का रुख क्या होगा और कांग्रेस के पास इस मुद्दे की क्या काट है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इंडी अलायंस गमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। पीएम मोदी के इस बयान से जाहिर है कि सनातन पर गरमाई सियासत फिलहाल तो थमने वाली नहीं है। सागर के बीना पहुंचे पीएम मोदी ने पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, साथ ही 1800 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया। करीब 3 किलोमीटर के रास्ते में पीएम ने लोगों का अभिवादन किया तो साथ ही इंडिया महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सनातन को लेकर पीएम मोदी जमकर हमलावर होते नजर आए। यहां मध्य प्रदेश में भी बीजेपी इंडिया महागठबंधन को आड़े हाथों ले रही है। पीएम मोदी और एमपी बीजेपी के दिग्गजों के बयान उस वक्त सामने आ रहे हैं जब विपक्षी महागठबंधन की पहली रैली भोपाल में कराए जाने की तैयारी है। 2023 और 24 के मद्देनजर अक्टूबर में विपक्ष पहली रैली करेगा जिसके जरिए हिंदी भाषी राज्यों के लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। भोपाल के ताल में घमंडिया ताजिए विसर्जित होंगे, पहली बार आप देखिए ये अलग अलग ही रहने वाले हैं। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और पलटते कुछ हैं। वही अभी किया सनातन पे जिनने उंगली उठा दी हो और कल कह रहे थे कि नहीं उठाएंगे, नहीं बोलेंगे, ये रोज ऐसा ही करने वाले हैं, देश को भ्रमित करने वाले हैं और ये भ्रमपूर्ण स्थिति में स्वयं है और ऐसे ही समाप्त होंगे। पीएम मोदी और बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर हैं तो कांग्रेस भी चुप नहीं है। पीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार सामने आया जिसमें वो महंगाई और बेरोजगारी पर जनता के जवाब देने की बात कह रहे हैं। इस तरह के साजिश षड्यंत्र देश के किसान और देश की जनता जान चुकी है। मोदी को आगामी चुनाव में कराया जान दिया जाएगा और झूठे वादे करके महिलाओं के पे अत्याचार रोकेंगे, सब नौटंकी मोदी जी की, प्रदेश की, देश की जनता समझ गई है। पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौकट कर दी, अरबों करोड़ों की कमाई जो कांग्रेस के हमारे पूर्व के मंत्री प्रधानमंत्रियों ने जो कंपनियां बनाई थी, जो संपत्ति इकट्ठी की थी, वो पूरा देश को दिवालिया बना दिया है। कुल मिलाकर तमिलनाडु के मंत्री स्टालिन के बयान से उठा विवाद विपक्षी गठबंधन के गले की फांस बनता नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो इसका समर्थन हुआ और ना ही खुलकर विरोध। लेकिन सनातन से लेकर सियासत तक इस पर बयानों का बाजार गर्म है। अब देखना होगा कि चुनाव तक ये मुद्दा क्या रंग लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो सनातन को लेके देखे किस तरह की सियासत देखने को मिल रही है। सनातन किसके लिए फायदेमंद है, क्या बीजेपी के लिए है या फिर कांग्रेस इन बयानों से तकलीफ में आ सकती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो सियासत चल रही है वो निश्चित तौर पर चुनाव में कोई ना कोई समीकरण तो बनाएगी और ये जो समीकरण है वो चुनाव में किस तरह का जो है सियासत का रंग दिखाता है आने वाला वक्त जरूर बताएगा। फिलहाल हम अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आचार संहिता लगने के आसपास आएगी। गोविंद सिंह ने कहा कि हमारे टिकट तय है लेकिन सूची बाद में जारी की जाएगी। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस मेहनत करके अपना काम चला रहे हैं और उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रत्याशियों को पैसा बांट रखा है। बीजेपी ने उम्मीदवारों को 20-20 करोड़ दे रखे हैं। इस पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करके अपना काम चला रहे हैं।
समय आने पर आचार संहिता लगने के आसपास ही चुनाव की घोषणा का काम होता है। हमारे सब करीब करीब सब तय है, समय आने पर सब काम हो जाए। विधानसभा चुनाव में सियासी उठापटक देखने को मिलती है, लेकिन जबलपुर की पनागर सीट से भाई ने भाई पर ही सवाल उठा दिए। बीजेपी विधायक इंदु तिवारी के बड़े भाई राजेंद्र तिवारी ने अपने छोटे भाई के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और कोई किसी का भाई भी नहीं होता, ये बात जबलपुर की पनागर सीट पर सटीक बैठती दिख रही है, जहां विपक्ष से पहले बीजेपी विधायक इंदु तिवारी को अपने सगे से ही दो दो हाथ होना पड़ रहा है। इंदु तिवारी के बड़े भाई राजेंद्र तिवारी ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजेंद्र तिवारी ने भ्रष्टाचार, मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। भोपाल में वरिष्ठ नेताओं से शिकायत की है और एक फाइल लोकायुक्त को सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। सबसे पहले जो मंडी अध्यक्ष बने 2005 में, तो इनने जो दुकानें हैं बहुत अधिक राशि में किराए से दी जाती हैं लीज पे, तो इनने अपने कर्मचारियों को और अपने रिश्तेदारों को बहुत कम रेट में माटी मोल भाव में वो दुकानें अलाट कर दी। मगर चूंकि सत्ता पक्ष के विधायक थे तो आगे चल के वो लीपा पोती करके कार्रवाई नहीं हो पाई। हमारा उनसे प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा लगातार 2007 से, जब भी चुनाव आते हैं, ये चौथी बार हुआ। चुनाव आने के 5 महीने पहले, 6 महीने पहले वो इसी प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। ये वही मामला है जो दिग्विजय सिंह ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे और मैंने चुनौती पूर्वक उनको बोला था और उनको नोटिस दिया था। और जी जो आज जो प्रकरण है उनका जो वीडियो आया है, इसमें भी मैं मानहानि का दावा करूंगा, बिना साक्ष्य के कोई ऐसा नहीं कर सकता। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी चश्मे से अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो यह चर्चा का विषय है। विपक्ष इस मसले को भुनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। हाल ही में जमीन से जुड़े एक मुद्दे को विपक्ष ने जमकर उठाया है, लेकिन सियासी गर्माहट से भरे प्रदेश के माहौल में भाई भाई की लड़ाई जमकर चर्चाएं बटोर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। बुंदेलखंड में आधी आबादी का मोदी के प्रति किस तरह का अलग भाव दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाते हैं। बीना से ये खबर आ रही, जहां मोदी को लेकर महिलाओं ने गाना गाया, गांव की जो महिलाएं हैं उन पर मोदी का जादू चला है। क्या तैयारी कर आए आप मोदी? हम दो लाइन मोदी जी के लिए सुनाने आए। सुना दो। दादा कौन सा पुण किया तुमने, सारा भारत तुमको चाहता, अरे मोदी कौन सा पुण किया तुमने, सारा भारत तुमको चाहता, अरे तुम माँ के दुलारे कह पुण्य किया तुमने, आपके नेतृत्व में भारत आगे बढ़े। और बात ही बात में इन महिलाओं ने तमाम तरह की बातें कह दी और इससे समझ आ रहा है कि महिलाओं में कितना उत्साह है। और प्रधानमंत्री मोदी यूं ही लोगों के दिलों में राज नहीं करते, यूं ही मन की बात नहीं करते, क्योंकि वो तो हर एक मन में विराजे और मन की बात इन महिलाओं ने कर दी और इसीलिए मन की बात आज दूर तक जा रही है। लेकिन मोदी तो मोदी है, शायद इसीलिए लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, बीना।
और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं तेज की तकरार किसकी सरकार। रायगढ़ में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ विजय के लिए हुंकार भरी। विजय शंखनाद रैली में पीएम मोदी 2023 और 24 के लिए नैरेटिव सेट करते नजर आए, तो वहीं डिप्टी सीएम सिंहदेव के साथ उनकी केमिस्ट्री के भी खूब चर्चे हुए। देखिए खास रिपोर्ट। रायगढ़ में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर गरजे। करीब 6000 करोड़ की रेल परियोजनाओं और क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करने पहुंचे पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने अटल जी के छत्तीसगढ़ को याद किया तो तमाम घोटालों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हुए। उन्होंने अपने भाषण में डबल इंजन की सरकार के काम गिनाए तो गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम के हमलों से तर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का खास कनेक्शन पीएम मोदी से देखने को मिला। मंच पर दोनों के बीच बातचीत हुई तो टीएस बाबा केंद्र से मिल रही मदद की तारीफ भी करते नजर आए। मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जोरदार बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना पीएम के प्रोग्राम को हिट बना रहा था, जिसके लिए पीएम ने सभी का आभार माना तो कांग्रेस बारिश के बहाने ही हमलावर होती नजर आई। रायपुर के बाद रायगढ़ में पीएम मोदी का दौरा कांग्रेस से गढ़ में सेंध लगाने के तौर पर देखा गया, लेकिन कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से लेकर सीएम भूपेश बघेल कहते नजर आए कि राम के साथ साथ अब इंद्रदेव भी बीजेपी से नाराज हो चुके हैं। कल गृह मंत्री जी आए थे परसों 12 तारीख को, लेकिन वो आ ही नहीं पाए। उसके बाद स्मृति ईरानी जी आई थी, वो बहरंग लौट गई, तो उनका जो बताया गया कि मौसम खराब है, पता नहीं भाजपा नेताओं के किस किस के मौसम खराब हैं जो नहीं आए और आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। रायपुर और रायगढ़ के बाद परिवर्तन यात्रा के समापन पर पीएम मोदी का दौरा संभावित है। उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी मैजिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए कमाल दिखाएगा तो कांग्रेस भी मैदानी जमावट से 23 की राह आसान कर रही है। अब देखना होगा कि पीएम के चेहरे की काट कांग्रेस कैसे निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में तीजा पोरा तिहार धूमधाम से मनाया गया। सीएम हाउस में तीजा पोरा तिहार की धूम नजर आई। जितनी धूमधाम से तिहार मनाया गया, सियासत भी उतनी ही तेजी से हो रही है। एक बार फिर से प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आए। आखिर त्योहारों को लेकर क्यों ये सियासत हो रही है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं की हैं। सीएम हाउस में पूरे परंपरागत तरीके से तीजा और पोला त्योहार मनाया गया। हर बार की तरह सीएम हाउस प्रदेश भर की हजारों तीजहारिन बहनों के लिए मायका बना, जहां उनका स्वागत सत्कार मायके की तरह हुआ। सीएम भूपेश बघेल त्योहार के रंग में रंगे नजर आए, लेकिन इस पूरे आयोजन पर सियासत भी जमकर गर्म हुई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा और पूछा कि क्या मुख्यमंत्री पहली बार तीजा पोला तिहार मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदि अनादि काल से बैलों की पूजा होती है, कृषि उपकरणों की पूजा होती है। मुख्यमंत्री जी तो ऐसा अपने आप को समझने लग गए हैं जैसे वो कोई नया काम कर रहे हैं। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। आप गाँव में ऐसा वातावरण बनाइए, गाँव में ऐसी स्थिति बनाइए कि गाँव गाँव के लोग ढोलक के साथ में, मजीरे के साथ में, हारमोनियम के साथ में, मादर के साथ में, वहां पर उल्लास के साथ में मनाएं। बीजेपी ने तंज कसा तो कांग्रेस भी चुप बैठने वाली नहीं थी। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने अपने निवास को तीजहारिन महिलाओं का मायका बना दिया तो बीजेपी और बृजमोहन अग्रवाल को जलन क्यों हो रही है। बीजेपी की 15 साल सरकार रही, लेकिन कभी ऐसे आयोजन नहीं किए गए। छत्तीसगढ़ में तो घर घर में महिलाएं मनाती हैं, इस अवसर पे महिलाएं अपने मायके में जाती हैं, लेकिन 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसको क्यों भुला दिया गया था। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री निवास में तिजारिन बहनों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ पारंपरिक रूप से तीजा मनाते हैं, पोता मनाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें चिढ़ हो रही है, बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल का जवाब दें कि 15 साल तक आपने क्या किया। छत्तीसगढ़ियाबाद और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर बीते कुछ सालों में जमकर सियासत हुई और मौका चुनाव का है तो एक बार फिर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। अब देखना है कि संस्कृति और परंपराओं पर हो रही सियासत का फायदा किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस टिकट वितरण के लिए लगातार एक्सरसाइज कर रही है, लगातार प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी हो रही है। तो इसी बीच 2018 में चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों को दोबारा टिकट न देने का फॉर्मूला भी सामने आया। उसके बाद पार्टी में बवाल मच गया, पूर्व प्रत्याशियों ने मोर्चा खोल दिया। तो आखिर क्यों ये बवाल मचा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नए चेहरों को मौका देने का मन बनाया है और तय किया है कि 2018 की लहर में भी चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों को मौका नहीं दिया जाएगा। चुनाव समिति की बैठकों में जब इस बात की चर्चा हुई तो पूर्व प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गईं। एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर 2018 में हारे प्रत्याशी तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में जब ये फॉर्मूला सामने आया तो पूर्व प्रत्याशियों ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात की और पूर्व प्रत्याशियों के नाम पर विचार करने की मांग की। प्रदेश प्रभारी ने सभी को भरोसा दिलाया है कि टिकट में सिर्फ जीतने वाले को ही प्राथमिकता दी जाएगी और सिर्फ यही फॉर्मूला है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के अंदर चल रही इस पूरी कवायद पर तंज कसती भी नजर आ रही है। विनेबिलिटी मापदंड है, कई बार गलत न्यूज अपने आप कुछ लगा लेते हैं, कोई ऐसा कोई मापदंड तय नहीं हुआ है। टीएस बाबा ने कहा कि 90 में मात्र 4 सीटों में सहमति हुई है, तो कांग्रेस एक मजाक पार्टी बन गई है, उसको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। वो जान रहे हैं कि जितने सिटिंग विधायक है वो सब हारने वाले हैं और नए आदमी मिल नहीं रहे। उसका कारण है कि जो अहंकार और घमंड के अंदर में जो सेकंड लाइन को जो प्रताड़ित किया है, वो दूसरी लाइन भी आज चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इस कारण इनको जो है बार बार मीटिंगें करना पड़ रहा है। बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है और दूसरी सूची भी लगभग तैयार मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस में अभी मंथन का ही दौर जारी है। ऐसे में रोजाना सामने आ रहे फॉर्मूले से भी दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई है। अब हारे हुए प्रत्याशियों को दोबारा टिकट ना देने की बात ने पूर्व प्रत्याशियों को परेशान कर दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या एक बार फिर हारे हुए प्रत्याशियों पर भरोसा जताती है या फिर नए प्रत्याशियों पर दाव लगाती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर।